दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट, आज कोरोना की 39 रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 91 मरीज हुए स्वस्थ। डॉक्टर एल के शर्मा एवं अन्य सभी के प्रयासों से जिला अस्पताल में शुरू हुई सिटी स्कैन मशीन। जिला चिकित्सालय में रखी सिटी स्कैन मशीन को नागरिक समूह के सहयोग से पुनः शुरू कराया गया। इस मशीन के शुरू होने से गरीब लोगों को जांच के लिए निजी अस्पतालों में नहीं भटकना पड़ेगा। इस दौरान तमाम चिकित्सकगण एवं नेतागण उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज घोषणा की है कि कोविड-19 के कारण जो भी कर्मचारी, चाहे नियमित हो, संविदा हो, कार्यभारित कर्मचारी हो, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी हो, कलेक्टर दर पर काम करने वाले कर्मचारी हो अथवा दैनिक वेतन भोगी हो, स्थायी कर्मी हो, यदि कोविड-19 से मृत्यु हुई है तो उसके परिवार के आर्थिक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वैक्सीनेशन से पूर्व किया रक्तदान। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विद्यार्थी परिषद का अखिल भारतीय कार्यक्रम पहले रक्तदान फिर टीकाकरण को लेकर स्वतंत्र पार्क में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। महावीरपुरा ओवर ब्रिज पर थोड़ी ही बारिश में भर जाता है पानी। ओवर ब्रिज पर कई गड्ढे हैं। विगत कुछ समय से ओवर ब्रिज का आधा अधूरा पड़ा है काम। हादसे होने की आशंका, जिम्मेदार अधिकारियों का नहीं है इस ओर कोई ध्यान। अनावश्यक घूमने वाले लोगों पर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। बेवजह घर से निकलने वालों पर पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही है। आज फिर हनुमान चौराहे पर कई लोगों के चालान बनाए गए। कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस द्वारा गली गली मोहल्लों में घूमकर गश्त की जा रही है, जिससे कि लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन करें और बेवजह अपने घर से बाहर न निकलें। आज कई मोहल्लों कॉलोनियों में घूमकर पुलिस ने गश्त की। आज कुआ परिवार मित्र मंडल द्वारा इस महामारी को देखते हुए 121 इंजेक्शन रेडक्रॉस सोसाइटी को भेंट करे, जो कि खून पतला करने में एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क में 500 रुपए की बढ़ोतरी करने पर AIDSO ने किया विरोध। कहा, जब पूरा देश कोरोना महामारी के साथ साथ लॉकडाउन की वजह से आर्थिक हालातों से जूझ रहा है, आपदा की इस घड़ी में जब कई सामाजिक संस्थान एवं लोग अपने अपने स्तर पर जरूरतमंद परिवार तक राहत सामग्री पहुंचाकर या अलग अलग माध्यमों से उनकी मदद कर रहे हैं, संकट के ऐसे समय में जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के परीक्षा शुल्क में 500 से अधिक शुल्क की बढ़ोतरी कर आपदा को अवसर में बदलने की नीति अपना रहा है। छात्र संगठन AIDSO इसका पुरजोर से विरोध करता है। मुनि निर्लेप सागर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कोरोना मरीजों को दवाएं, राधुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा की गई भेंट। राधुगढ़ नगर गौरव जैन मुनि पूज्य निर्लेप सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन के परिजनों द्वारा पूर्व मंत्री एवं राधुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा कोरोना मरीजों को दवाओं की किट, सैनिटाइजर एवं मास्क भेंट किए गए। नालियों की सफाई न होने के कारण वार्ड नंबर 23 के लोग काफी परेशान हैं। नालियों का पानी सड़कों पर आ जाता है, जिसकी शिकायत नागरिकों द्वारा कई बार की जा चुकी है, लेकिन नगर पालिका का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, न ही कोई सफाई करने के लिए आता है। नगरवासियों की मांग है कि नगर पालिका द्वारा इन नालियों की सफाई कराई जाए। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा सूचना की गई जारी। 4 मई के आदेश अनुसार जीवाजी विश्वविद्यालय की स्नातक तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं दिनांक 1 जून से ओपन बुक पद्धति से प्रारंभ होंगी, जिसका विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम शीघ्र ही जारी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि गुना रेलवे जंक्शन के अस्पताल में वर्तमान में 3 बेड का अस्पताल संचालित है, उसमें रेलवे की ओर से 50 बेड एवं ऑक्सीजन संयंत्र की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया, जिससे गुना, सुखनगर, पगारा, साढ़ोरा, रुटियाई के रेलवे कर्मचारियों के साथ साथ आमजन को भी इसका लाभ मिल सके।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी म्याना जिला गुना अध्यक्ष पवन रघुवंशी जमरा द्वारा जिलाधीश को पत्र लिखा गया, जिसमें उन्होंने म्याना ब्लॉक की जनता को हो रही परेशानियों के निराकरण की मांग की। बताया कि म्याना एवं भदौरा स्वास्थ्य केंद्रों पर 10-10 बिस्तर के ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन वार्ड बनाए जाए, जिससे क्षेत्र की जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। किसानों की खरीफ की फसल को बोने का समय नजदीक आ रहा है, किसानों को असुविधा ना हो और वे खाद्य बीज की व्यवस्था कर सकें, इसके लिए सप्ताह में म्याना मंडी को 2 दिन खोला जाए। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सर्वे दल को मौके पर उपलब्ध कराएं दवाओं की किट, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने बमोरी क्षेत्र का दौरा कर किल कोरोना और पीडीएस का जायजा लिया। कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए द्वारा बमोरी विकास खंड के ग्राम सिकरौद एवं अमरौद ग्राम का दौरा किया गया। कलेक्टर ने किल कोरोना अभियान के अंतर्गत किए जा रहे डोर टू डोर सर्वे और कोरोना कर्फ्यू के दौरान गरीबों को दिए जा रहे 3 माह के निःशुल्क राशन वितरण का जायजा लिया। बैंकर्स कोरोना गाइडलाइन के अनुसार करें बैंकिंग कार्य, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने बैंकर्स की बैठक में दिए निर्देश। कलेक्टर फ्रैंक के नोवल ने स्थानीय कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के साथ बैंकर्स की बैठक ली। कलेक्टर ने बैंकर्स को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आप सभी जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, वे किसी से छिपी नहीं है। बैंकिंग गतिविधि और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य है, अतः आप सभी बैंकर्स इस पर से काम करें कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो, लोगों को बैंकिंग सेवाएं भी मिलें। सरफराज का हुआ निःशुल्क इलाज, 27,000 रुपए वापस मिले। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है। आयुष्मान योजना के तहत सभी गरीबों का निःशुल्क इलाज हो रहा है। इस प्रकार के सभी मामले में मेहनत मजदूरी कर पेट पालने वाले सरफराज अहमद को न केवल बीमारी से मुक्ति मिली है, बल्कि उन्हें निजी चिकित्सालय में जमा की गई 27,200 रुपए की जमा राशि भी वापस प्राप्त हो चुकी है। आज व्यापार एवं उद्योग महासंघ गुना के संयुक्त तत्वधान में वितरक संघ गुना एवं किराना संघ गुना द्वारा सूखा राशन राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रशासन की ओर से एडीएम, पंचायत सीओ, सीएमओ, नगरपालिका, डीएसपी, यातायात टीआई एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी गण एवं व्यापार महासंघ, वितरण संघ, किराना संघ, मेडिकल संघ, ऑटोमोबाइल संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कोविड टीम के चेहरे पर आई रौनक, जब उत्साह बढ़ाने हॉस्पिटल पहुंचा मुस्लिम समाज। जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज और सुविधाएं देने में लगी टीम का स्वागत किया गया। कोविड प्रभारी डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मी तक का समाज ने किया सम्मान। NSUI प्रदेश महासचिव ने छात्रों की समस्याओं को लेकर जिलाधीश को सोशल मीडिया के माध्यम से सौंपा ज्ञापन। प्रदेश NSUI महासचिव गौरव रघुवंशी ने बताया कि आज के समय में देश एवं प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार छात्रों से परीक्षा फीस वसूलने में लगी हुई है। इस समय कोरोना कर्फ्यू के चलते छात्रों एवं उनके परिवार वालों के व्यवसाय एवं आय के सभी स्रोत बंद है। ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल को अवगत कराया गया है कि सभी छात्रों की परीक्षा फीस माफ की जाए। म्याना रेलवे अंडरब्रिज में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी पानी भरना प्रारंभ हो गया। पहले अंडरब्रिज में पानी भर गया और पानी के अंदर नुकीले सरिया निकल चुके हैं। पानी के कारण राहगीरों को लोहे के सरिये नहीं दिखते, जो कि दोपहिया वाहन एवं पैदल राहगीरों के लिए घातक साबित होंगे। ये सरिये पानी के अंदर हैं, जिससे कि ये दिखाई नहीं देते और कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वधान में आज शांति कुंज एवं मध्य जोन भोपाल के द्वारा 26 मई 2021 को बुद्ध पूर्णिमा को होने वाले ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ के संबंध में आज ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस ऑनलाइन संगोष्ठी में उज्जैन एवं गुना उप जोन शामिल हुआ। ऑनलाइन संगोष्ठी के मुख्य वार्ताकार योगेश गिरी ने कई विषयों के कार्यों की समीक्षा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज घोषणा की है कि कोविड-19 के कारण जो भी कर्मचारी, चाहे नियमित हो, संविदा हो, कार्यभारित कर्मचारी हो, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी हो, कलेक्टर दर पर काम करने वाले कर्मचारी हो अथवा दैनिक वेतन भोगी हो, स्थायी कर्मी हो, यदि कोविड-19 से मृत्यु हुई है तो उसके परिवार के आर्थिक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना, इस योजना के अंतर्गत
समस्त नियमित स्थायी कर्मी कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी तदर्थ संविदा कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक इन सबको के परिवारों को परिवार में आश्रितों को जो परिवार तय करे अनुकंपा नियुक्ति उसी पद पर दी जाएगी ताकि उनका परिवार उनके उनसे बिछड़ जाने के बाद परेशान ना हो, रोजगार की निश्चितता हो और उनकी आजीविका चलती रहे। डॉक्टर एल के शर्मा एवं अन्य सभी के प्रयासों से जिला अस्पताल में शुरू हुई सिटी स्कैन मशीन, जिला चिकित्सालय में रखी सिटी स्कैन मशीन को नागरिक समूह के सहयोग से पुनः शुरू कराया गया। इस मशीन के शुरू होने से गरीब लोगों को जांच के लिए निजी अस्पतालों में नहीं भटकना पड़ेगा। इस दौरान तमाम चिकित्सकगण एवं नेतागण उपस्थित रहे। हमारे सभी चिकित्सकों और विशेष रूप से हमारे डॉक्टर एल के शर्मा जी जो रेडियोलॉजिस्ट के साथ साथ जन सेवक भी हैं, उनके माध्यम से आज हमने चालू किए गुना की जनता के लिए। नई मशीन भी बहुत जल्दी आने वाली है, स्वीकृत हो चुकी है और जब तक नहीं आती है तब तक इस पुरानी मशीन से ही मरीजों का इलाज किया जाएगा और उनकी चिकित्सा की जाएगी। डॉक्टर एल के शर्मा जी की और अंत्योदय और बीपीएल वालों को बिल्कुल मुफ्त रूप से सीटी स्कैन होगा और आम आदमी के लिए जिसके पास बीपीएल और अंत्योदय नहीं है उनको मात्र 750 रुपये में सीटी स्कैन की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो निश्चित रूप से कोरोना की महामारी में इस मशीन का बहुत उपयोग है, विशेष रूप से गरीब जनता के। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वैक्सीनेशन से पूर्व किया रक्तदान। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विद्यार्थी परिषद का अखिल भारतीय कार्यक्रम पहले रक्तदान फिर टीकाकरण को लेकर स्वतंत्र पार्क में शिविर का आयोजन किया गया जिसमें कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। विद्यार्थी परिषद गुना द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का एक आयोजन किया गया था। आज पूरा देश अपना एक वैश्विक महामारी में जूझ रहा है, आज उसी को मद्देनजर रखते हुए आज युवाओं को आह्वान करते हुए कि सभी को ब्लड डोनेशन करें क्योंकि आज एक वैश्विक महामारी से पूरा अपना विश्व जूझ रहा है जिससे लोग परेशान हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को ब्लड डोनेशन का कैंप करने की विद्यार्थी परिषद द्वारा एक सलाह दी जाती है और आज विद्यार्थी परिषद के काफ़ी सारे युवाओं ने ब्लड डोनेशन किया है। वैक्सीनेशन से पहले सभी युवाओं से आह्वान है कि सभी वैक्सीनेशन से पहले एक बार ब्लड डोनेशन अवश्य करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजय भार्गव गुना जिला संयोजक। अनावश्यक घूमने वाले लोगों पर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। बेवजह घर से निकलने वालों पर पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही है। आज फिर हनुमान चौराहे पर कई लोगों के चालान बनाए गए। लॉकडाउन हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय एवं जिला अधीक्षक कलेक्टर महोदय द्वारा लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जनता को जो ना चालान बनाए जा रहे हैं और बिना मास्क आ रहे उनका भी चालान बन रहा है। जो बिना काम से घूम रहे उनको खुली जेल भेजने की व्यवस्था की गई। अभी तक 5 लोगों को जेल भेज चुके हैं और अभी तक 18 चालान MBH के हो चुके हैं और 6 चालान अभी तक बिना मास्क वाले हो चुके हैं। खुली जेल कितने को भेजा गया? खुली जेल अभी तक 5 लोगों को भेजा गया। दो पहिया सवारी का चालान बनाया जा रहा है और एक गाड़ी पर एक व्यक्ति चलने का उन्हें समझाइश दी जा रही है। कुछ गाड़ियों की हवा भी निकाली जा रही है जो बिना काम से घूम रहे हैं। अभी तक 17 गाड़ियों की हवा निकाल चुके हैं। लगभग टोटल अब सुबह से लेकर अभी तक कितने चालान हो चुके होंगे सर? सुबह से लेकर अभी तक हमने 18 मोटर व्हीकल एक्ट के चालान हो गए हैं और 6 चालान अभी तक उसके हो गए हैं बिना मास्क के और 5 लोगों को जेल भेजा जाता है। आज कुआ परिवार मित्र मंडल द्वारा इस महामारी को देखते हुए 121 इंजेक्शन रेडक्रॉस सोसाइटी को भेंट करे जो कि खून पतला करने में एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर हैं। आज हमारा कुआ परिवार मित्र मंडल ने सबने मिलकर आज इंजेक्शन डोनेट करने का फैसला लिया था तो उसमें ये हमने LMWH इंजेक्शन है जो कि प्रतिदिन 75 के करीब इंजेक्शन मरीजों को ज़रूरी में लग रहा है और सरकार की तरफ से ये अभी
प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम आपसे मांग जनता से मांग करते हैं कि ये वाले इंजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दान करें। और एक ये दूसरा इंजेक्शन है अपना प्रीमोबूट, ये वाले इंजेक्शन भी अपने कोरोना मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज में किया जा रहा है। तो हम सभी मित्र मंडल ने मिलकर फैसला लिया कि ये वाले इंजेक्शन डोनेट करें। अच्छा, आपका सुना जी, मेरा नाम है फलीशु राज सिंह सिसोदिया। मित्र मंडल कौन सा जी? हमारा पूरा परिवार है, 8 करोड़ के स्थित। मुनि निर्लेप सागर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कोरोना मरीजों को दवाएं, राधुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा की गई भेंट। राधुगढ़ नगर गौरव जैन मुनि पूज्य निर्लेप सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन के परिजनों द्वारा पूर्व मंत्री एवं राधुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा कोरोना मरीजों को दवा की किट, सैनिटाइजर एवं मास्क भेंट किए गए। हमारे डॉक्टर अमित रावत जी के सहयोग से, डॉक्टर देशराज जैन जी के सहयोग से, हमारे समाज के अध्यक्ष रावत जी के सहयोग से, जो हमको दवाइयों का दान मिला है और साथ में मास्क और सैनिटाइजर का जो यहाँ पे रावत परिवार के द्वारा महाराज जी के आशीर्वाद से जो यहाँ पे व्यवस्था दी गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि राघोगढ़ शहर के लिए और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको, विशेषकर जिनको इन दवाइयों की आवश्यकता। NSUI प्रदेश महासचिव ने छात्रों की समस्याओं को लेकर जिलाधीश को सोशल मीडिया के माध्यम से सौंपा ज्ञापन। प्रदेश NSUI महासचिव गौरव रघुवंशी ने बताया कि आज के समय में देश एवं प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार छात्रों से परीक्षा फीस वसूलने में लगी हुई है। इस समय कोरोना कर्फ्यू के चलते छात्रों एवं उनके परिवार वालों के व्यवसाय एवं आय के सभी स्रोत बंद है। ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल को अवगत कराया गया है कि सभी छात्रों की परीक्षा फीस माफ की जाए। जी बताएं, आपने किस विषय में ज्ञापन दिया है आज? आज NSUI के नेतृत्व में मैंने माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को अवगत कराना चाहा है कि ऐसे संकट में जब देश एवं प्रदेश कोरोना जैसी भयंकर महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार का छात्रों से परीक्षा फीस वसूलने का निर्णय सही नहीं है। अतः मैं माननीय राज्यपाल महोदय से मांग करता हूं कि सभी छात्रों की तत्काल फीस माफ की जाए और जिनसे फीस ली गई है उनकी फीस वापस की जाए। धन्यवाद। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स, स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542404509 पर। एक बार शेर के मुंह खून लग गया, 5 बार जीतने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो लालच बुरी बला है। नो बालक, वीवो IPL में इंडिया का नया मंत्र है, अगर लालच से जीतने की भूख बढ़ती है तो लालच इस खून। तो हिटमैन हैट्रिक लगाएगा? किसका मंत्र काम आएगा ये तो Vivo IPL ही बताएगा। 9 अप्रैल से लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स, स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542404509 पर।